नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। उदयपुर में दहशत का पर्याय बन चुका तेंदुआ अब राजनीति का विषय बन चुका है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तेंदुओं के आतंक को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता, अनदेखी और लापरवाही जनता के लिए जानलेवा साबित हो रही है। उदयपुर में दहशत का पर्याय बन चुका आदमखोर तेंदुआ एक महीने में 9 लोगों की जान ले चुका है। इलाके के 20 गांवों में डर और दहशत का माहौल है, लेकिन सरकार न तो तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई सार्थक योजना बनाई और न ही सरकार की जंगली जानवरों के हमले से मौत को लेकर कोई नीति है। अलग अलग मामलों में अलग अलग मुआवजा दिया गया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार के बेड़े में जल्द बदलाव का कयास लोकसभा चुनाव के बाद से ही जारी है। तो बीते दिनों में लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर थी कि रूठे हुए किरोड़ी लाल मीणा को उप मुख्यमंत्री का पद देकर खुश किया जा सकता है। इसके साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का डिप्टी सीएम का पद जा सकता है, लेकिन अब इन चर्चाओं पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो भाजपा आलाकमान उपचुनाव से पहले राजस्थान में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। 27 और 28 सितंबर को आयोजित सीईटी स्नातक पात्रता परीक्षा के आयोजन के दौरान परीक्षा केंद्र काफी दूर रहने के चलते परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो वहीं अक्टूबर के अंत में सीईटी सेकेंडरी स्तर की पात्रता परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में एनएफयू अध्यक्ष हनुमान किसान के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में युवा भाजपा कार्यालय पहुंचे। युवाओं ने मांग की कि सीईटी सेकेंडरी स्तर की पात्रता परीक्षा में परीक्षार्थियों को उनके गृह जिले में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं, जिससे युवाओं को परेशानी से बचाया जा सके। सुरुचि नृत्य संस्थान की ओर से आमजन में प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवरात्रि के उपलक्ष में तीसरा गरबा महोत्सव का आयोजन 11 अक्टूबर को किया जा रहा है। आज नगर परिषद सभापति सुमित रणावा, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, पार्षद मंजू रणवा, गुरदीप सिंह बराड़, संगीतकार ईशु जुनेजा, भारत भूषण कौशिक ने महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। सभापति सुमित रणवा ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में इस तरह का आयोजन करवाने की पहल करना सराहनीय है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंटर पर बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ट्रायल के तौर पर यह व्यवस्था इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के दौरान शुरू की जा रही है। इसके बाद सभी भर्ती परीक्षाओं पर इसको लागू किया जा सकता है। आरपीएससी ने परीक्षा में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा था। 18 सितंबर को मंत्रालय की ओर से आधार कार्ड के जरिए कैंडिडेट के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की परमिशन मिल गई है। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में शुक्रवार को जनजाति विभाग का आदि गौरव सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल हरिभाव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानगढ़ धाम के शहीदों को नमन किया, साथ ही आदि गौरव सम्मान पाने वाले व्यक्तियों को संस्थाओं को बधाई भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानगढ़ धाम के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर लघु उद्योग भारतीय महिला संगठन जयपुर की ओर से शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र में शिल्प ग्राम में 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित स्वयं सिद्धा हस्तलिप प्रदर्शनी 2024 का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने, मजबूत बनाने, आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। लघु उद्योग भारती से आयोजित इस प्रदर्शनी में महिला हस्तशिल्पियों को मंच प्रदान कर संबल प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यटन की दृष्टि से नवाचार करते हुए होम स्टे आदि को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के पास शुक्रवार को एक ईमेल आया जिसमें जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद से ही सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर हैं और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को एक्टिवेट कर दिया गया है। इस वक्त पूरे एयरपोर्ट पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं दूसरी ओर एक टीम ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी हुई है। राजस्थान के राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में बीते एक सप्ताह से चाकूबाजी, मारपीट सहित अन्य मामलों को लेकर आए दिन माहौल बिगाड़ने की घटना हो रही है।
जहां तक किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार देर शाम आया, जिसमें एक किशोर पर दो अन्य युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि किशोर हमले से पहले ही सतर्क हो गया था। उसने पेट में लगने वाले चाकू की नोक को हाथ से पकड़ लिया, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को खाली कर दिया। अब वह लुटियंस दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में रहेंगे। यह बंगला आधिकारिक तौर पर पंजाब से आपके राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित एक बंगले में रहने चले गए थे। मुख्यमंत्री आवास खाली करते हुए अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता और पत्नी के साथ जब मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे थे, तो हर किसी की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।